हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्वालिटी इनफैक्ट। फ्रेंड्स, आज मैं आपके बीच लेके आया हूँ रिसर्च एप्टीट्यूड को, जिसे हिंदी में शोध अभिक्षमता या फिर अनुसंधान अभिक्षमता भी कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं बेसिक्स को आपके सामने समझाने की कोशिश करूँगा, बहुत ही बेसिक से आपके सामने इसको शुरू करूँगा, बिकॉज हमारे बेसिक्स ही क्लियर नहीं होते हैं रिसर्च से रिलेटेड और हम बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ने लगते हैं। जनरलाइजेशन क्या होता है, प्रदत्त क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, मतलब जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप रिसर्च को आगे पढ़ ही नहीं सकते हैं। और रिसर्च में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपकी वोकेबलरी, क्योंकि रिसर्च की अपनी अलग एक वोकेबलरी है। ठीक है, वेरिएबल का मतलब नेचुरल साइंस में कुछ हो सकता है लेकिन शोध में कुछ अलग होता है। हाइपोथेसिस क्या होती है, तो इस तरीके की जितनी भी वोकेबलरी है वो इस वीडियो में कवर करने की मैं कोशिश करूंगा। दोस्तों, पिछले 2 साल से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर आप वीडियो बनाओ, तो दोस्तों मैं उनको बताना चाहता था कि रिसर्च एप्टीट्यूड कोई छोटी सी चीज़ नहीं है। रिसर्च एप्टीट्यूड एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, यही एक कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से नए ज्ञान का सृजन होता है, न्यू नॉलेज जो हमारी एग्जिस्टेंस में आती है। तो ये कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके लिए बहुत सारी हमें इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो अभी मुझे 2 साल हो गए हैं रिसर्च करते हुए, तो मुझे बहुत से कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हुए हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी YouTube पे मिल जाएंगे कि जिन्होंने नेट किया है, JRF किया है, MA किया है और सीधी वो रिसर्च के ऊपर वीडियो डालने लगते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी सैद्धांतिक रूप से और प्रैक्टिकल भी आपके सामने यहाँ पे बातें रखने की कोशिश करूँगा, और एब्स्ट्रैक्ट जो एग्जाम्पल होते हैं उसको मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगा। जो एग्जाम्पल यहाँ पे यूज़ करूँगा वो आपके डेली लाइफ से ही रिलेटेड होंगे, ताकि आपको ईजीली कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले, अनुसंधान या रिसर्च का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि परिभाषाओं में आप बिल्कुल मत जाए। परिभाषा, कुक ने क्या कहा, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, वो आपके काम का नहीं है। परिभाषाओं पे आप मत जाओ। परिभाषाएं अगर आपने पढ़नी है तो अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। रिसर्च का मतलब क्या है? रिसर्च 2 शब्दों से बना है, री प्लस सर्च। री का मतलब दोबारा, सर्च का मतलब ढूंढना। तो रिसर्च का मतलब है जिसके ऊपर पहले काम हो चुका है, ठीक है, जिसके ऊपर पहले काम हो चुका है उसके ऊपर दोबारा से ज्ञान प्राप्त करना। तो वो क्यों? क्योंकि जो हमने पहले काम किया होता है ना, उसके बीच कुछ गैप रह जाता है। उसके बीच क्या है, नॉलेज में कुछ गैप रह जाता है, कोई भी ज्ञान एब्सोल्यूट नहीं होता है, ठीक है। इसलिए जो हमने पहले शोध किया है उसके ऊपर दोबारा से शोध करने को ही रिसर्च कहा जाता है। यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं, अगर आप कोई नई चीज़ को खोज कर रहे हो, नई चीज़ का आप इन्वेंशन कर रहे हो, वो रिसर्च नहीं कहलाएगी, ठीक है। कोई नई चीज़, फॉर एग्जांपल आप कोई नई चीज़ बना रहे हो, आप ऐसी चीज़ बना रहे हो जो एग्जिस्टेंस में पहले थी ही नहीं, जिसके बारे में किसी ने पहले बात तक नहीं की, तो वो रिसर्च में नहीं आएगा, वो इन्वेंशन में आएगा, ठीक है। दोस्तों, रिसर्च को समझने के लिए आपको प्रैक्टिकल ज़्यादा होना पड़ेगा, ठीक है। आप थियोरेटिकल जितना पढ़ ले आपको याद नहीं रहेगा, या फिर आपके दिमाग में शंका बनी रहेगी, बिकॉज जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉन्सेप्चुअल होते हैं सारे के सारे, ठीक है। आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी उसका आंसर दे पाओगे, नहीं तो शब्द जितने भी आपके रिसर्च में होंगे, वो चाहे फंडामेंटल रिसर्च हो, वो चाहे अप्लाइड रिसर्च हो, सारे शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और उसमें अंतर कर पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट रहेगा अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। रिसर्च को समझने के लिए मैं यहाँ पे 2 एग्जाम्पल यूज करूँगा, एक आपका नेचुरल साइंस के अंदर रिसर्च और दूसरा सोशल साइंस के अंदर। तो रिसर्च शुरू कहाँ से होती है? रिसर्च शुरू होती है किसी प्रॉब्लम से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम होती है ना हमारे पास, अगर कोई प्रॉब्लम है उसी के ऊपर तो रिसर्च करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको सिर दर्द हो रहा है, ठीक है, आपको सिर दर्द हो रहा है, तभी तो आप रिसर्च करोगे कि यार ये समस्या कैसे हो गई और ये क्यों हुई, इसका समाधान कैसे होगा। तो कोई भी रिसर्च क्या है, वो प्रॉब्लम से शुरू होती है।
तो सबसे पहले नेचुरल साइंस का एग्जाम्पल लेते हैं। तो नेचुरल साइंस में एग्जाम्पल लेते हैं बारिश क्यों होती है। अब सबको पता है बारिश होती है, बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है बारिश होने की। तो पहले क्या होता था, पहले इंडिया में होता था कि इंद्रदेव बारिश करते हैं। इंद्रदेव जब क्रोधित होते हैं तो आंधी आती है, बारिश आती है, खुश होते हैं तो बारिश आती है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था। तो एग्जिस्टिंग नॉलेज थी ना, लेकिन उसके बीच क्या है, रिसर्च का क्या गैप था, उनके पास कॉज एंड इफेक्ट नहीं था कि इंद्रदेव है या नहीं है, साइंटिफिक नहीं था ना, इसका मतलब रिसर्च में क्या है गैप था, क्योंकि हमारे पास कॉज और इफेक्ट को साबित करने के लिए तथ्य नहीं थे। इसलिए लोगों ने क्या किया, उस ज्ञान को बढ़ाने के लिए उसके ऊपर रिसर्च की। तो ये नेचुरल साइंस की रिसर्च है, और कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम से शुरू होती है। प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं है यहाँ कि कोई टेंशन है, प्रॉब्लम का मतलब होता है रिसर्च क्वेश्चन, कि क्वेश्चन क्या है, आपका टॉपिक क्या है, जो आपका टॉपिक है वही आपका रिसर्च प्रॉब्लम है, ठीक है। अब अगर इसको हम सोशल साइंस में यूज करें, सोशल साइंस में एग्जांपल लेते हैं कि लोग अपना लीडर कैसे चुनते हैं, ठीक है, लीडर आप अपना कैसे चुनते हो, नेता कैसे चुनते हैं, आपका वोटिंग बिहेवियर कैसा रहता है। तो ये सोशल साइंस में आमतौर पर रिसर्च होती है, और मैक्सिमम लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस के अंदर बहुत सी रिसर्च हुई है, लेकिन और भी कर रहे हैं, बिकॉज एक साइंटिफिक प्रूफ अभी तक नहीं मिल पाया कि बस यही रीजन है कि लोग इसे वोट देंगे और इसे नहीं देंगे, क्योंकि ह्यूमन नेचर क्या है, ये चेंज होता रहता है, कभी इंसान इससे पसंद करता है, कभी उसे पसंद करता है, तो इसमें रिसर्च होती रहती है। अब देखो लोग अपना लीडर कैसे चुनते हैं, तो उसके लिए लासवेल ने थ्योरी दी है, डेविड इस्टन ने थ्योरी दी है, आपके आमंड ने थ्योरी दी है, और कार्ल ड्यूश ने आपकी संचार की थ्योरी दी है। बहुत सारी थ्योरीज आपके पास हैं, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, उसके ऊपर क्या है, उसमें रिसर्च गैप है, उस रिसर्च गैप को आपने ढूंढना है और उसको जनरलाइजेशन आपने उसका करना है कि हाँ ये कारण जो डेविड इस्टन ने बताया था इसमें ये कमियां थी, और मैंने ये साइंटिफिक तरीके से रिसर्च की है, मेरे ये वेरिएबल थे, और मैंने यहाँ यहाँ पे रिसर्च, इतने लोगों का इंटरव्यू लिया, शेड्यूल जो भी आप रखोगे, और उसके बाद आप बोल सकते हैं कि हाँ दिस इज द रीज़न। तो आई होप आपको यहाँ तक रिसर्च का मतलब समझ आ गया होगा। अब रिसर्च का मतलब आप और भी ब्रॉड कर सकते हैं, अपने इधर उधर के एग्जाम्पल लेके, साइंटिफिक रिसर्च क्यों होती है, क्या कारण थे, बोलते ना आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जब तक आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी तब तक कोई आविष्कार नहीं होगा। तो रिसर्च हमेशा उस फील्ड में ही होती है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। इसलिए बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पीएचडी के लिए मैं कौन सा टॉपिक लूँ, एमफिल के लिए कौन सा टॉपिक लूँ। अरे भाई आप अपने सीनेरियो को देखिए, अपने वातावरण को देखिए, आप इंटरनेशनल स्फेयर में देखिए कि चल क्या रहा है और किस चीज़ में समस्या ज़्यादा है, और जिस चीज़ में आप सफिशिएंट भी हो। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि नहीं मैं तो अमेरिका के न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर रिसर्च करूंगा, इज़ इट पॉसिबल, क्या आप अमेरिका जा पाओगे। अगर आप बोलो कि मैं हिमाचल में रहता हूं और हिमाचल में मैं वाटर, जो आपके जितने भी आपके वाटर रिसोर्सेज है उसके ऊपर रिसर्च करना चाहता हूं, और जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहे हैं उसके ऊपर रिसर्च मैं करना चाहता हूँ कि उससे लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, उसका बैड इम्पैक्ट, उसका गुड इम्पैक्ट क्या पड़ा है, तो आप उसको इजीली कर सकते हैं, बिकॉज़ वो एक्सेसिबल है, आप वहाँ पे जा सकते हैं, लोगों से इंटरव्यू ले सकते हैं। इसलिए रिसर्च जो प्रॉब्लम आप लोगे, टॉपिक जो भी लोगे, वो रेलिवेंट होना चाहिए, आपको उसकी प्री नॉलेज होनी चाहिए, पहले से आपको उसकी नॉलेज तो होनी चाहिए। आपने बोल दिया कि नहीं मैं तो जी कम्युनिकेशन थ्योरी के ऊपर टॉपिक ले रहा हूँ, उसी पे मैं रिसर्च करूँगा, आपको कम्युनिकेशन का ही मतलब पता नहीं है तो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो ये बेसिक था कि अर्थ क्या होता है। परिभाषाओं को मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि परिभाषाओं में आपने नहीं जाना है, क्योंकि परिभाषाएं कभी भी नहीं पूछी जाती है, बिकॉज यहाँ पे एक डेफिनेशन नहीं है रिसर्च की, देर इज थाउजेंड ऑफ डेफिनेशंस। तो नेक्स्ट चलते हैं, रिसर्च कितने टाइप की होती है, और ये इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि हर बुक में आपको अलग अलग
इसके आंसर मिलेंगे। लेकिन जो आप लाइब्रेरी में आपके पास बुक्स पड़ी है उसमें आपको एग्जैक्ट आंसर मिल सकता है, लेकिन जितनी भी गाइड है, वो चाहे पियर्सन हो, उपकार हो, अरिहंत हो, कोई भी आपकी गाइड जो बुक है पेपर वन की, उसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे रिसर्च को लेके। कईयों में 10 टाइप है, कईयों में 15 टाइप है, पियर्सन में आप देख सकते हो 10-15 टाइप में उन्होंने डिवाइड किया है, बट दैट इज़ नॉट एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च। रिसर्च मेनली 3 टाइप की ही होती है, इस चीज को आप लिख लो, आपको कहीं नहीं मिलेगा ये। रिसर्च मेनली 3 टाइप की होती है। अब आप देखोगे पियर्सन के अंदर तो मौलिक, व्यवहारिक, क्रियात्मक, आगमनात्मक, निगमनात्मक, आपको 20 टाइप की रिसर्च मिलेगी। दैट इज नॉट रिसर्च, वो रिसर्च नहीं है, वो रिसर्च मेथडोलॉजी है। अब रिसर्च और रिसर्च मेथडोलॉजी के बीच भी आपको अंतर पता होना चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च शुरू करते हैं। तो रिसर्च मेनली 3 टाइप की होती है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या होती है? एक्सप्लेनेटरी रिसर्च को हम बोलते हैं साइंटिफिक रिसर्च। इसे क्या बोला जाता है? साइंटिफिक रिसर्च, या इसे व्याख्यात्मक रिसर्च भी बोला जाता है। इसे साइंटिफिक क्यों बोलते हैं? साइंटिफिक इससे इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर जो समस्या होती है, समस्या के कारणों का पता लगाया जाता है, कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर आधारित होती है, आखिर ये क्यों हुआ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, भारत में गरीबी क्यों है, ये क्या है? साइंटिफिक रिसर्च है कि गरीबी क्यों है, उसके पीछे के कारणों का हमें पता करना है कि आखिर ये क्यों है। भारत में महिलाओं के प्रति हिंसा क्यों बढ़ रही है, जहां पे वाई का आंसर हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वाई, आखिर ये क्यों है, उसे हम बोलते हैं साइंटिफिक रिसर्च या एक्सप्लेनेटरी या फिर व्याख्यात्मक रिसर्च। जैसा मैंने अभी बताया आपको बारिश क्यों होती है, तो नेचुरल साइंस में भी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होती है। नेचुरल साइंस मीन साइंस, वहां पे तो डेफिनेटली साइंटिफिक रिसर्च होगी। मैंने बोला कि लोग अपना लीडर क्यों चुनते हैं, क्यों चुनते हैं, मींस यहां पे भी साइंटिफिक रिसर्च हो रही है, जहां पे तर्क और कारण यूज हो रहा है, कॉज एंड इफेक्ट जहां पे यूज हो रहा है। तो जो आपकी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होती है, आपकी व्याख्यात्मक जो रिसर्च होती है, उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, वेरिएबल्स लेते हैं, कुछ वेरिएबल्स लेते हैं और उसकी एक दूसरे के साथ तुलना करते हैं, उसके बीच संबंधों को पता करने की कोशिश करते हैं। अब वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं फंडामेंटल जो कारण होते हैं किसी चीज के, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझिए वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। हिंदी में इसको चर बोलते हैं, चर। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल किसी समस्या के कारण होते हैं, उसके तत्व होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऑर्गेनिक थ्योरी से आपको इसको समझाने की कोशिश करूं, तो आप एक आदमी हो और आप एक समस्या हो, तो समस्या आप किस प्रकार से हो? आपकी समस्या के कई कारण है। आपका दिमाग, आपका दिमाग समस्या का कारण है, आपका दिमाग आपसे अपराध करा देता है। आपका दिल एक वेरिएबल है, दिल के हाथों आप मजबूर हो, आप कोई भी इमोशनल होके कोई भी आप गलत काम कर सकते हैं, ठीक है। आपका हाथ, आपका हाथ मतलब कुछ आप समझ सकते हैं कि आपके हाथ में दर्द है तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, तो वो भी एक वेरिएबल का काम कर रहा है। आपके पांव में दर्द है तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, तो आप अपने आप में क्या है, एक समस्या बन गए हो। अब नेचुरल साइंस में एग्जाम्पल लेते हैं, बारिश क्यों होती है, तो बारिश क्यों होती है, तो उसमें बहुत सारे वेरिएबल होंगे, ठीक है। जैसे उसमें वेरिएबल हो सकता है गर्मी, ठीक है। बारिश क्यों होती है? गर्मी की वजह से। अगर गर्मी नहीं होगी तो क्या होगा? वाष्पीकरण नहीं होगा, नीचे से पानी ऊपर उठेगा ही नहीं। दूसरा वेरिएबल होगा धूलकण, अगर ऊपर धूलकण ही नहीं होंगे तो वो जो वाष्प है वो जमेगा कहाँ पे, आसमान में। तीसरा वेरिएबल हो सकता है हवा, हवा के कारण भी वाष्पीकरण होता है। और चौथा सबसे बड़ा कारण है जल, जब तक नीचे जल ही नहीं होगा तो वाष्पीकरण क्या होगा। तो ये बारिश क्यों होती है, इसके अंदर कितने वेरिएबल है? 4, इससे ज्यादा भी वेरिएबल हो सकते हैं। वेरिएबल मींस चर।
अगर इसको हम साइंटिफिक या फिर सोशल साइंस में हम बात करें, आखिर हम लीडर क्यों चुनते हैं, तो उसमें वेरिएबल हो सकता है कि लोग कैपेबल नहीं है। एक वेरिएबल क्या है हमारा कि लोग कैपेबल नहीं है, वो खुद शासन नहीं कर सकते हैं। दूसरा वेरिएबल हमारे पास हो सकता है कि सभी लोग शासन करेंगे तो डिसीजन अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत सारी मेजोरिटी है, सभी लोग अगर शासन में भाग लेंगे तो अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। तीसरा वेरिएबल हो सकता है लोगों को अपनी सुरक्षा प्यारी है, अगर हम अपने नेता चुनेंगे जो शक्तिशाली है तो वो हमारी रक्षा कर सकते हैं। पांचवा वेरिएबल हो सकता है कि ये तो परंपरा है, सालों से चला आ रहा प्रोग्राम है, इसलिए हम अपना लीडर चुनते हैं। तो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में क्या है, बहुत सारे वेरिएबल चरों के बीच हम क्या करते हैं, संबंधों को देखते हैं, उनके कॉज और इफेक्ट को हम देखते हैं और फिर निष्कर्ष निकालते हैं। आई होप आपको एक्सप्लेनेटरी रिसर्च यहाँ पे समझ आ गई होगी। आगे और भी एग्जाम्पल दूंगा मैं जब मैं टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड की बात करूंगा, ठीक है। अभी तो हम टाइप्स ऑफ रिसर्च की बात कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ तीन टाइप है, जितने भी रिसर्च मेथड है वो इन्हीं से निकले हैं, तो वो आगे देखते हैं। और दूसरा है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है वर्णनात्मक रिसर्च, जिसमें हम क्या करते हैं, वर्णन करते हैं सिर्फ। दोस्तों डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को हिस्टोरिकल रिसर्च भी बोला जाता है, ऐतिहासिक रिसर्च। अब पहले वाली जो रिसर्च थी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, उसमें हम क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, व्हाई की, कि आखिर ये क्यों हुआ, क्यों ऐसा होता है। लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है, इसमें हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कौन, क्या, कब और कैसे, हु, व्हाट, व्हेन एंड हाउ। इन चार प्रकार के क्वेश्चंस को इसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब इसको सोशल साइंस में हम कैसे यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहे हैं मेडिवल इंडिया के ऊपर, ठीक है, मेडिवल इंडिया का सिस्टम कैसा था, या फिर हम बाबर के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा कि बाबर कौन था, हु इज बाबर, हु वाज बाबर, ठीक है, बाबर कौन था। उसके बाद बाबर भारत कब आया, when यहां पे हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद क्या, बाबर ने भारत में क्या किया, और सबसे लास्ट में बाबर ने भारत पर कैसे शासन किया। तो ये चार प्रकार के क्वेश्चन हम ढूंढने की कोशिश करते हैं डिस्क्रिप्टिव या वर्णनात्मक रिसर्च में। वर्णनात्मक रिसर्च इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें हम सिर्फ वर्णन करते हैं, डिस्क्रिप्शन करते हैं कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, तब हुआ था और किसने किया था, वो ही हम उसमें देख सकते हैं। लेकिन हम उसमें वाई का आंसर नहीं दे सकते हैं, कॉज एंड इफेक्ट हम दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो घट चुका है, वो तो पास्ट था। अगर प्रेजेंट में होता तो एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर कर लेते, क्योंकि वो आपका पास्ट में घट चुका है, अब उसको हम सिर्फ डिस्क्राइब ही कर सकते हैं, उसका वर्णन ही कर सकते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, जैसा का जैसा है वैसा ही उसको हम खोज करते हैं। और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च दोनों को जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो अभी नॉलेज है, उसमें वृद्धि करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें बाबर के बारे में पता था, उसने ये किया वो किया, ठीक है, लेकिन हमें उसमें वृद्धि करनी है और भी नॉलेज में, तो हम क्या करेंगे, हम उसके द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे उसका निरीक्षण करने की कोशिश करेंगे। पहले वालों ने कुछ दिया होगा तो उसमें मतलब लैंग्वेज को हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे, डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे कि लैंग्वेज जो पहले वाले इतिहासकार है उसने ये बात उसके ऊपर की थी, लेकिन ये इस तरीके का नहीं है, इसको और तरीके से भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों रिसर्च का पता लग गया होगा। अब तीसरे टाइप की रिसर्च है अप्लाइड रिसर्च, और इसे एक्शन रिसर्च भी बोला जाता है। दोस्तों अप्लाइड रिसर्च को अन्वेषी या व्यवहारिक रिसर्च भी बोला जाता है। अन्वेषी का मतलब क्या होता है, अन्वेषण करना, और व्यवहारिक का मतलब जो व्यवहार में हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आखिर लोग अपराध क्यों करते हैं, आखिर लोग अपराध क्यों करते हैं। अब क्यों का यहां पे जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक्सप्लेनेटरी रिसर्च हो गई, अपराध कैसे करते हैं, मीन्स डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो गई।
लेकिन जहां पे हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि जो ये अपराध हो रहे हैं उसे हम कैसे खत्म कर सकते हैं, तो वो होगी आपकी व्यवहारिक या अप्लाइड रिसर्च। इस फर्क को आप अच्छे से समझ लेना कि यहां पे आप क्यों क्या कैसे किसी भी चीज से आपको कोई संबंध नहीं है, आपको यहां पे लेना देना है कि हम इस समस्या को खत्म कैसे करें। अप्लाइड रिसर्च क्या है? तात्कालिक जो प्रॉब्लम्स है उसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, उसका समाधान कैसे कर सकते हैं, वो है अप्लाइड रिसर्च। फॉर एग्जांपल, देश में नशे की समस्या बढ़ती जा रही है, उसे हम कैसे खत्म करें या फिर उसका समाधान क्या होगा। छात्र कक्षाओं में शोर करते हैं, उसको हम कैसे खत्म करें, उसका क्या समाधान है। छात्र के बीच आउटकम को हम कैसे बढ़ा सके, लर्निंग आउटकम को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, वो भी क्या होगी, अप्लाइड व्यवहारिक या अन्वेषी रिसर्च। तो मेनली ये तीन टाइप की रिसर्च है। इसको आप और भी बहुत से एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, आप बुक्स में पढ़ोगे जब, तो आपने इन तीनों रिसर्च को याद रखना है। रिसर्च के सिर्फ तीन टाइप है। आगे जो मैं बात करूंगा डिफरेंट रिसर्च की, जो कि डिवाइड की गई है परिणामों के आधार पे, तर्क के आधार पे, प्रक्रिया के आधार पे, वो सारी की सारी इन तीन मेन रिसर्च से निकलती है। यही तीन मेन है जिससे वो निकलती है। वेरिएबल का यहाँ पे रह गया था थोड़ा सा। वेरिएबल मैंने आपको बताया ये समस्या के अंदर पार्ट होते हैं, उसके कारण होते हैं, लेकिन वेरिएबल भी दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के चर होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए, बहुत सारे एग्जांपल आप इसके लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जो डिपेंड होता है किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर, उसे बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने पापा का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपके पापा क्या है, आपके पापा है इंडिपेंडेंट बिकॉज वो कमाते हैं, ठीक है। वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, वो कमाते हैं। आप क्या हो, आप उनके ऊपर डिपेंड हो। अगर वो कमाएंगे तभी आपको खाना मिलेगा, तभी आपको पढ़ाई के लिए पैसे मिलेंगे, तो आप क्या हो गए, डिपेंडेंट, और आपके जो पापा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। वैसे ही अगर रिसर्च की मैं बात करूं, तो जो पहला एग्जांपल मैंने लिया था कि बारिश क्यों होती है, बारिश अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वो बारिश डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो डिपेंड करता है धूप के ऊपर, वो डिपेंड करता है धूल कण के ऊपर, वो डिपेंड करता है हवा के ऊपर, वो डिपेंड करता है जल के ऊपर। अगर इसमें से एक भी वेरिएबल उसको ना मिले तो बारिश होगी ही नहीं। तो इसका मतलब है वेरिएबल दो टाइप के हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। बात करते हैं करैक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च की, कि अनुसंधान की विशेषताएं क्या है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सी इसकी विशेषताएं हैं जो कि आप जनरली समझते भी होंगे। सबसे पहली विशेषता है कि जो रिसर्च होती है वो साइंटिफिक होती है। साइंटिफिक क्यों होती है, क्योंकि वो सिस्टमेटिक तरीके से जाती है। आप ऐसे नहीं है कि सबसे पहले आपने क्या किया, रिसर्च डिज़ाइन बना लिया और उसके बाद आप प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन कर रहे हो। ये बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से जाती है। अगर पहले प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन करना है तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन ही होगा। अगर आप ये नहीं कर सकते हो कि पहले हाइपोथेसिस बना ली उसके बाद आपने प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन की, ठीक है, ये बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से चलती है और ये साइंटिफिक होती है। और शोध जितने भी होते हैं उसमें जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनका सामान्यकरण किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, जो भी हम शोध करते हैं उसका सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, सामान्यकरण करते हैं, जनरलाइजेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक शोध किया कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है, जो इंटरनेट और जो सोशल मीडिया है, उसका लोगों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो मैं क्या करूंगा,
फॉर एग्जाम्पल 100 आदमी से मैंने इंटरव्यू किया, उनके ऊपर मैंने रिसर्च की और बाद में उसको जनरलाइज कर दूंगा। अगर इन 100 लोगों के ऊपर ये प्रभाव पड़ रहा है तो मैं ये दावा करता हूँ कि पूरी दुनिया में ये प्रभाव कर रहा है, तो मैं उसको जनरल कर दूंगा पूरी दुनिया के ऊपर। ठीक है, तो रिसर्च की ये प्रमुख विशेषता है कि जो भी हम रिसर्च करते हैं उसको हम जनरलाइजेशन करते हैं। इसलिए जब भी आप रिसर्च करो, ऐसा मत करना कि आपने 10 आदमियों के ऊपर रिसर्च की और आप डिक्लेयर करने लग गए कि नहीं, मैंने जो रिसर्च की है वो जनरलाइज हो गई है और सबके ऊपर होगी। ऐसा नहीं होता है। जब तक आप अच्छे तरीके से रिसर्च नहीं करोगे तब तक आप जनरल रिजल्ट नहीं निकाल सकते। अगली इसकी विशेषताएं हैं, रिसर्च लॉजिकल होती है। रिसर्च क्या होती है? लॉजिकल। इसमें लॉजिक लगता है, इसमें तर्क और कारण हम देखते हैं, और रिसर्च हमेशा ऑब्जेक्टिव होती है। रिसर्च सब्जेक्टिव नहीं हो सकती है। अब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी आपको क्लियर होगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जिसका सिर्फ एक ही आंसर होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं ना आपके, तो उसमें 4 विकल्प दिए होते हैं, उसमें से सही आंसर एक ही होता है। तो ऑब्जेक्टिव नॉलेज मतलब जिसका एक ही आंसर होगा, एक ही जिसका जनरलाइजेशन होता है। और सब्जेक्टिव का मतलब जो सब्जेक्टिव है व्यक्तिनिष्ठ है, आपके हिसाब से कुछ है, दूसरे के हिसाब से कुछ है, तीसरे के हिसाब से कुछ है। तो सब्जेक्टिव रिसर्च कभी नहीं होती है, रिसर्च हमेशा ऑब्जेक्टिव होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता कि यह व्यक्तिगत पक्षों, व्यक्तिगत भावनाओं से अलग होती है। मतलब इसमें वैल्यूज को महत्व नहीं दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी वैल्यू है कि मैं एक धार्मिक आदमी हूँ। धार्मिक आदमी मतलब मैं राम में विश्वास करता हूँ और मैं धर्म के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, और मैं रिसर्च उस टाइप से करूँ कि नहीं, राम तो भगवान थे, ये था वो था, तो वो क्या है, वो रिसर्च हमेशा गलत होगी। उसमें किसी भी प्रकार की भावनाओं को हम नहीं ला सकते हैं। और अगली विशेषता है, जितने भी हमारी रिसर्च होती है वो वेरिएबल के आधार पर डिपेंड होती है, उसके मल्टीपल वेरिएबल हो सकते हैं। तो रिसर्च जितनी भी है वो वेरिएबल के ऊपर आधारित होती है, और हाइपोथेसिस हम साइंटिफिक रिसर्च में यूज करते हैं। और जितने भी प्रकार की रिसर्च है सबकी अपनी अपनी रिसर्च मेथडोलॉजी होती है। यानी यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी है, बहुत प्रकार की रिसर्च मेथडोलॉजियाँ हैं यहाँ पे। इसमें और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिसमें से एक है कोई भी रिसर्च होती है उसमें 3 प्रकार के स्टेक होल्डर होते हैं। स्टेक होल्डर मतलब हितधारक। जब हम रिसर्च करते हैं तो सबसे पहला स्टेक होल्डर या हितधारक होता है रिसर्चर, व्यक्ति अपने आप में हितधारक होता है। दूसरा स्टेक होल्डर होता है संस्था, जिस संस्था के द्वारा वो शोध कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यूजीसी ऑल्सो अ स्टेक होल्डर बिकॉज वो रिसर्च कराती है। और तीसरा स्टेक होल्डर होता है रिस्पोंडेंट, जिससे हम इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं। तो कोई भी आपकी रिसर्च है उसमें 3 प्रकार के स्टेक होल्डर होते हैं। तो दोस्तों, अभी तक इस वीडियो में हमने देखा और समझा रिसर्च का अर्थ क्या होता है, रिसर्च के जो 3 मेन टाइप है वो हमने इसमें देखा, और उसके बाद हमने समझा रिसर्च की विशेषताओं को। और दोस्तों, अभी हमें इसमें समझने की ज़रूरत है स्टेप्स इन रिसर्च, कि रिसर्च में कितने स्तर होते हैं। कुछ बुक्स में आपको 6 मिलेंगे, कुछ में 7 मिलेंगे, और पियर्सन में आपको 8 स्टेप मिलेंगे। तो इन कन्फ्यूजन्स को भी दूर करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको देखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार की रिसर्च में किस मेथडोलॉजी को यूज किया जाता है। और सबसे लास्ट में देखेंगे सम बेसिक टर्मिनोलॉजी जो रिसर्च में यूज होती है, जैसे वर्कशॉप क्या होता है, कॉन्फ्रेंस क्या होता है, सेमिनार क्या होता है, सिंपोजियम क्या होता है, और इन सब के बीच डिफरेंस क्या होता है। आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल को हम कैसे लिखते हैं, पेपर प्रेजेंटेशन क्या होता है, ये सारा का सारा हम आगे की वीडियो में मैं इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। तो
इसकी मैं आगे दो वीडियो बनाऊंगा, एक स्पेसिफिक वीडियो होगी स्टेप्स इन रिसर्च के ऊपर, बिकॉज बहुत ही वाइड ये कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।